मध्य प्रदेश के देवास जिले के आदिवासी क्षेत्र के उदयनगर थाना क्षेत्र के ग्राम मंगरा देव निवासी 7 वर्षीय आदिवासी मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। दरअसल मासूम बच्ची दशहरे की शाम को अपने अन्य दोस्तों के साथ गांव में ही रावण दहन देखने गई थी। उसी दौरान सगे ताऊ ने शराब के नशे में पीड़ित मासूम बच्ची को 10 रुपए का नोट दिखाकर चॉकलेट दिलवाने के बहाने जंगल में ले जाकर दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया और मासूम को पत्थर से मारने ही वाला था कि मासूम बच्ची भागी और अपने घर पहुंचकर पूरी घटना परिजनों को बताई। परिजनों ने वह पीड़ित मासूम बच्ची ने उदयनगर थाने पहुंचकर मासूम बच्ची के साथ हुई दुष्कर्म की घटना बताई। उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए उदयनगर थाना पुलिस ने उक्त दुष्कर्म के आरोपी ताऊ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं जिला अस्पताल में भर्ती मासूम पीड़िता के उपचार में हो रही लापरवाही की सूचना मिलने पर बागली के क्षेत्रीय विधायक पहाड़ सिंह कन्नौज देवास जिला अस्पताल पहुंचे। जिला अस्पताल में घोर लापरवाही विधायक को देखने को मिली। वहीं युक्त पीड़िता को महिला प्रसूति वार्ड में भर्ती करने पर विधायक कन्नौज ने अस्पताल के जिम्मेदारों पर नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आए और इस बात की शिकायत जिले के प्रभारी मंत्री जीतू पटवारी से फोन पर की। शिकायत के बाद सीएमएचओ सक्सेना व जिम्मेदार पहुंचे और पीड़ित बच्ची का सही तरीके से उपचार शुरू करवाया। तब मुझे खुद को आना पड़ा और आकर देखा तो एक पलंग पे 3-3 पेशेंट रखे हैं। डिलीवरी वार्ड में उस पेशेंट को रखा गया और उसकी अभी भी झूठ बोल रहे हैं सक्सेना जी, जबकि पूरे वार्ड में पैर रखने की जगह नहीं। अच्छा विधायक जी, ये बताया आप कि ये कुछ जिला अस्पताल बीमार है, बावजूद इसके आपने जिम्मेदारी लेते हुए यहाँ तक पहुँचे। प्रदेश सरकार चूंकि कमलनाथ सरकार है, क्या मानते हैं उनकी लापरवाही दिख रही है यहाँ पर? कमलनाथ सरकार सभी मामलों में फेल है और किसान पूरी तरह से फसल उनकी नष्ट हो गई है, उनका कर्जा माफी पूरा झूठा निकल गया है और पेशेंट यहाँ पूरी तरह मरने के लिए तड़प रहे हैं। कोई डॉक्टर और कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा, न कोई व्यवस्था है यहाँ। अभी मेरे जानकारी में और ये भी बात आई कि हर काम को लेके पैसे लग रहे हैं, हर पेशेंट से किसी न किसी बहाने रसीदें कटवानी पड़ रही, पैसे लग रहे हैं और वो पूरी तरह से गरीब लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं और जो 7 साल की बच्ची तड़प रही है उसकी जांच तक नहीं हुई है, इससे ज़्यादा लापरवाही क्या समझोगे आप? ये हमारे साथ थे बागली के विधायक पहाड़ सिंह जी कन्नौज जी। आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर लापरवाही का अंबार लगा हुआ है। ईटी भारत के लिए देवास से चेतन भैया जी। हमारा भी पेशेंट हमको आज 4-5 रोज हो गया, कुछ अन्वेषण लगाना, कुछ जाँच भी नहीं की। मैं अभी MGM हॉस्पिटल देवास में हूँ और यहाँ पे भी ये सर्जर रूम, तो कौन सा रूम है? सर्जर रूम है जहाँ सर्जरी के बाद डिलीवरी हुई है लेडीज़ों को। और मेरे क्षेत्र उदयनगर थाना के तहत एक 7 साल की बेटी के साथ दुष्कर्मी ने रेप किया है, जो 35 साल का है, और उस बेटी का इलाज नहीं हो रहा। और मेरे बार बार बोलने के बाद भी डॉक्टर सक्सेना से मैंने 3-4 बार 3 रोज से फ़ोन कर रहा हूँ आज तक उस, और वो सीजर रूम में 3-3, 4-4 एक बेड पे पटक रखा है। इस कंडीशन में मुझे यहाँ आना पड़ा, क्योंकि मैं खुद जिम्मेदारी निभाते हुए मुझे बड़ा अफसोस। क्या मानते हैं अव्यवस्था देखने को मिली जिला अस्पताल में? पूरी तरह अव्यवस्थित है यहाँ पे, पूरी तरह आप भी देख सकते हो, इधर सब लेडीज है बेचारी। दो शिकायत आप कहाँ करेंगे चूँकि आपने लापरवाही देखी? मैं अभी प्रभारी मंत्री जीतू पटवारी से भी बात कर रहा हूँ, फोन उठा नहीं रहे। उनके PA ने मुझे बताया कि मैं तत्काल लगवा के बात करता हूँ और स्वास्थ्य मंत्री सज्जन वर्मा से भी बात करूँगा और यहाँ की व्यवस्था की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ, ताकि कम से कम ऐसे पेशेंट जो गांव गरीब से जो पड़े हैं उनको न तो इलाज कर रहे हैं न रिफर कर रहे हैं। अभी इस बेटी को भी जो तकलीफ है, उसकी कमर और पेट दर्द हो रही, बोलते नहीं बन रहा, लेकिन कोई विशेष डॉक्टरों का इलाज या टीम के द्वारा जांच नहीं कराई जा रही। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, world class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting, a perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. aise hi latest khabar paane ke liye bell icon ko click kar hamare channel ko like, share and subscribe kare. dhanyawad.